हे पुरीज, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज हम बनाएंगे सेवरी वर्जन ऑफ डोनट्स, यानी कि नमकीन डोनट्स, और वो भी लौकी के साथ। चौंक गए ना, लौकी के साथ ये कैसे बनेंगे? बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, ये एक्चुअली मेरे घर की लौकी के पकौड़े की रेसिपी है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शेप दिया जाए ताकि बच्चे भी आसानी से लौकी खाएं। तो यहाँ पे मैंने एक लंबी लौकी ली थी जिसका सिर्फ हाफ पोर्शन मैंने यूज़ किया है। तो आपको इस थिकनेस के साथ लौकी को कट कर लेना है सर्कल में। पानी के बोतल के ढक्कन की मदद से आपको बीच वाला हिस्सा हटा देना है, जस्ट डोनट का शेप देने के लिए। बीच वाले हिस्से को आप फेंके नहीं, आप इसको वापस से सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। मैंने छिलके नहीं हटाए हैं क्योंकि तलने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगे और छिलके भी एडिबल होते हैं, आप बना के देखिएगा। बाकी अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं। तो आपको लौकी इस तरीके से कट कर लेनी है। अब हम बैटर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना चावल का आटा लिया है, जिसमें 1/2 टीस्पून के जितना अजवाइन जाएगा। लौकी के पकौड़े दोस्तों मेरे घर में चावल के आटे में ही बनते हैं, बेसन या मैदा हम नहीं यूज़ करते, तो आज मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। 1/4 टीस्पून के जितना कुटी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून के जितना चाट मसाला, मैं तीखा कम कर रही हूँ, तो 1/4 टीस्पून के जितना रेड चिली पाउडर, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं रेड चिली पाउडर अगर आपको तीखा पसंद है, 1/4 टीस्पून के जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के जितना गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून के जितना भुना जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार। मैं एकदम पिंच ऑफ इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करूंगी, जस्ट पिंच, ज़्यादा नहीं ऐड करना है ताकि थोड़ा सा डोनट का शेप देने के लिए जो ये बैटर है थोड़ा सा फूले। 1 टेबल स्पून के जितना मैंने हरा धनिया कट करके डाला है, और 1 टेबल स्पून के ही जितना फ्रेश मिंट लीव्स, यानी कि पुदीने के पत्ते हाथ से तोड़ के डाले हैं, इससे एक फ्रेशनेस ऐड होती है। और कुछ नहीं हम ऐड कर रहे हैं इसमें, कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट कुछ भी नहीं ऐड करना, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें पानी ऐड करिए और मैं बैटर की कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली चावल का आटा है, आप पानी ऐड करोगे तो ये तुरंत अब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है। बैटर इसका गाढ़ा ही बनेगा, लेकिन पानी थोड़ा सा हिसाब से डालें आप धीरे धीरे करके। बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए ताकि हम जब इसमें लौकी को डिप करें तो वो कोट हो जाए अच्छे से, बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम डोनट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैटर गाढ़ा ही रखेंगे। बस आपको इसमें लौकी डाल देनी, या फिर आप एक एक डिप करके भी डाल सकते हैं। मुझे आपको दिखाना था तो मैंने सारी एक साथ डाल दी, बट बेहतर होगा कि आप एक एक डिप करके उसको फ्राई करते जाएं। अब जब आप इसको तेल में डालें तो मेक श्योर कि इसके ऊपर सारा बैटर अच्छे से कोट हो। बस इन्हें आपको डीप फ्राई करना है और आपके सेवरी वर्जन ऑफ लौकी के डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। तो है ना दोस्तों ये इंटरेस्टिंग रेसिपी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। बस इन्हें हम डीप फ्राई कर देंगे, हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे। तो मैंने सारे ही इस तरीके से डीप फ्राई कर लिए। इसे एंजॉय कर सकते हैं आप अपनी फेवरेट चटनियाँ केचप के साथ। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो क्यूमन करी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज पे भी जुड़िए क्योंकि वहाँ पे मैं आए दिन नए पोस्ट शेयर करती रहती हूँ फूड से ही रिलेटेड। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।